एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परमानेंट नेल एक्सटेंशन विद परमानेंट नेल कलर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले हमें नेल्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्यूटिकल रिमूवर आपने देखा अभी से पहले किया है। सबसे पहले पुशर, क्यूटिकल पुशर से आपको क्यूटिकल पुश करना है और उसके बाद नेल्स को प्रिपेयर करना है। तो इन्होंने फाइलिंग किया है और उसके बाद बफिंग किया है। तो इससे क्या होता है, नेल्स का सारा मॉइस्चर हट जाता है और जो आप नेल्स अप्लाई करने वाले हो, फॉल्स लेंसेज जो होती हैं आपकी, फेक लेंस, ये आराम से अटैच हो जाती हैं आपके नेल से। तो थोड़ा सा सरफेस से मॉइस्चर बिल्कुल बहुत अच्छे से हटाना होता है। तो वो हटाने के बाद आप जैसा देख रहे हैं, जो फेक नेल्स हैं हमारे पास, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ग्लू आता है नेल एक्सटेंशंस के लिए, तो इसको हम इस पे अप्लाई करके और हाफ ऑफ द आपके जो नेल का जो लेंथ है, हाफ एरिया से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो ये आपको नेल एक्सटेंशन करने से पहले भी आपको जो आप क्लाइंट के नेल्स हैं वो कम्प्लीटली कट डाउन कर देना है, तब उसके ऊपर ही आपको ये अप्लाई करना है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। तो ये है प्रोसेस। और इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बना रखे हैं नेल एक्सटेंशंस के, तो आप अगर कंप्लीट गाइडेंस भी चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बाद हमको पर्टिकुलर शेप देना है नेल्स को। तो जैसे मेरी क्लाइंट है, उनको स्क्वायर शेप चाहिए था, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से इनको ये शेप दिया जा रहा है। और ये सबसे पहले आपको फाइलर से इस तरह से फाइलिंग करनी है और उसके बाद बफिंग कर देनी है। तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट हैंड्स पे करना है और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे परमानेंट जेल नेल पेंट, जो भी आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट हैं या फिर आप अपने आप भी अपने नेल्स का करना चाहते हैं। तो जो भी शेड आप चाहते हैं या क्रिएटिविटी आपके हैंड्स में है कि आपको किस तरह से नेल आर्ट करना है और क्या डिज़ाइंस चाहिए, इसके लिए पर्टिकुलर आप डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप कीजिए। तो जैसे मेरी ये क्लाइंट हैं, इनको ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए था, तो वो हम देंगे। और अभी देखिए, आप पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं क्लाइंट में के नेल्स पे और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे नेल पेंट। तो मेन होता है कि आपको कौन सा प्रोसेस में, जो एलईडी लैंप में आपको ड्राई करना है वो टाइमिंग क्या है। तो जो बेस कोट हमने अप्लाई किया था, ये ध्यान रखें, जब आप परमानेंट जेल नेल पेंट अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको बेस कोट ज़रूर अप्लाई करना है। तो जो हम बेस कोट, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये अप्लाई करिए। ट्रांसपेरेंट सा कुछ होता है, आप एक कर लीजिए, जैसे आपका टॉप कोट होता है वैसी बेस कोट होता है, जो कि मॉइस्चर नहीं आने देता नेल्स पे या आपके जेल नेल पेंट परमानेंट टिका रहता है। तो इसके लिए ये सबसे पहले बेस कोट अप्लाई करके और आपको 60 सेकेंड के लिए ड्राई करना है और फिर हमें जो भी कलर रिक्वायर्ड है वो अप्लाई करना है। जैसा आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का इनको पेंट, नेल पेंट चाह रही थी मेरी ये क्लाइंट, तो इनको ब्लैक कलर दिया जा रहा है। तो ये इस तरीके से ही आपको अप्लाई करना है। और ये जेल नेल पेंट है तो ये जो ड्राई होगा, या तो ये यूवी लैम्प में होगा या फिर एलईडी लैम्प में। तो इस तरीके से आप अप्लाई करके पूरे हैंड्स में और एलईडी लैम्प में हम इसको ड्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेस कोट अप्लाई करना है, फिर नेल पेंट अप्लाई करना है, फिर इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करना है। और फिर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिज़ाइन बन रहा है, मतलब जिस हिसाब से आप क्रिएटिविटी चाहते हैं नेल पेंट में, तो इस तरह से इनको ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए था, तो आप ब्रश की मदद से कर सकते हैं और आपके पास जो ग्लिटर्स हैं वो आप अप्लाई कीजिए नेल्स पे इस तरीके से। और ये पूरा पर्टिकुलर करने के बाद आपको हर एक स्टेप में एलईडी लैंप में ड्राई करना है। और फिर जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर हमें टॉप कोट अप्लाई करके ड्राई कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये नेल एक्सटेंशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेल पेंट भी ड्राई करते रहना है। अब देखिए, टॉप कोट एप्लीकेशन हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं, और इसको भी हम 30 सेकेंड के लिए ड्राई करके, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और बड़े आसानी से आप अपना नेल पेंट
परमानेंट नेल एक्सटेंशन विद नेल पेंट आप कर सकते हैं और इस न्यू ईयर को एंजॉय कर सकते हैं कुछ नए लुक्स में अपने नेल्स की केयर करके। तो यस, इस न्यू ईयर पे आप ज़रूर आजमाइएगा ये नेल पेंट और जिस भी शेड में कीजिएगा मुझे भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।